आज हम पढ़ाने वाले हैं अब्राहम मैस्लो का मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत। तो आज को ये आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक और शेयर कर देना। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? अब्राहम मैस्लो के इन्होंने मानवतावादी सिद्धांत दिया था। पहले इनका इतिहास जानते हैं तो 1908 से 1970 तक 1908 से 1970 तक ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। क्वेश्चन आता है कि अब्राहम मैस्लो किस देश के निवासी थे? तो अब्राहम मैस्लो थे वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। किस देश के? अमेरिका देश के मनोवैज्ञानिक थे। बाद में ये जो बुकलिन और रेडियो के वंशज थे। क्वेश्चन ए भी एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है कि अब्राहम मैस्लो थे वो किसके वंशज थे? तो बुकलिन और रहूदियों के वंशज थे। अब्राहम मैस्लो और अमेरिका में इनका जन्म हुआ 1908 से 1970 तक। 70 के बाद इनका निधन हो गया और इन्होंने सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क CCNY में कानून का अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था? तो इन्होंने सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क में CCNY में कानून का अध्ययन किया था। किसका? कानून का अध्ययन किया था। एक बैरिस्टर थे। अब्राहम मैस्लो 1908 से 1970 तक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। 1908 से 1970 तक ये 1908 में इनका जन्म हुआ और 1970 तक ये रहे। बाद में इनका निधन हुआ और ये आए अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जो बुकलिन और रहूदियों के वंशज थे। किसके वंशज? बुकलिन और रहूदियों के वंशज थे। और इन्होंने सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क में CCNY में कानून का अध्ययन किया था। किसका? कानून का अध्ययन किया था। एक एडवोकेट थे। अब बात करते हैं इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं वो इस प्रकार हैं। इन्होंने अब्राहम मैस्लो ने जो सिद्धांत दिए मानवतावादी सिद्धांत, ये क्वेश्चन यूपीटेट 2022 में पूछा जा चुका है कि मानवतावादी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो मानवतावादी सिद्धांत अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया और यूपीटेट 2022 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अब्राहम मैस्लो कौन से व्यक्ति थे या मानवतावादी व्यक्ति थे? कौन से? अब्राहम मैस्लो एक मानवतावादी व्यक्ति थे। अब्राहम मैस्लो कैसे व्यक्ति थे? अब्राहम मैस्लो एक मानवतावादी व्यक्ति थे। इन्होंने मानवतावादी सिद्धांत दिया था। दूसरा सिद्धांत इन्होंने पदानुक्रम आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत? पदानुक्रम आवश्यकता का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया। कौन सा सिद्धांत? पदानुक्रम आवश्यकता का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया। तीसरा सिद्धांत इन्होंने दिया मांग आपूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत। कौन सा? मांग आपूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। अब्राहम मैस्लो ने मांग आपूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने दिया था। चौथा सिद्धांत था नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत। कौन सा? नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया था। तो अब्राहम मैस्लो ने नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। और पांचवा जो सिद्धांत दिया था स्वार्थीकरण आवश्यकता का सिद्धांत। कौन सा? स्वार्थीकरण आवश्यकता का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया। कौन सा सिद्धांत? स्वार्थीकरण आवश्यकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया ये पूछा जा सकता है।
तो यही सिद्धांत अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया। और मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया। अगर ये सिद्धांत के में आवश्यकता लगाओ तो जरूर ही 101% अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत होगा, जिन्होंने आवश्यकता पर कुछ अध्ययन किया, आवश्यकता पर इन्होंने कुछ अध्ययन किया, वो इस प्रकार है कि पहला और दूसरा पॉइंट उच्च स्तर होता है। कौन सा? फर्स्ट और सेकंड उच्च स्तर होता है। तीसरा, चौथा और पांचवा निम्न स्तर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? निम्न स्तर के अंतर्गत आता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन अब्राहम मैस्लो के अनुसार कौन से स्तर में आएगी? तो उच्च स्तर में आती है आवश्यक। उच्च स्तर में फर्स्ट और सेकंड पोजीशन अब्राहम मैस्लो के अनुसार उच्च स्तर में आती है, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये निम्न स्तर के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं लक्ष्य। तो लक्ष्य आत्मीकरण और स्वार्थीकरण होता है। ऐसा होता है, लक्ष्य आत्मीकरण और स्वार्थीकरण होता है। लक्ष्य कैसा होता है? आत्मीकरण और स्वार्थीकरण होता है। और बात करते हैं सम्मान। तो सम्मान एक पहचान दिलाता है। सम्मान क्या दिलाता है? सम्मान इंसान को एक पहचान दिलाता है। क्वेश्चन आता है कि सम्मान क्यों किया जाता है? तो सम्मान इंसान की पहचान बढ़ाने के लिए किया जाता है। इंसान की सम्मान सम्मान एक इंसान को पहचान देता है। क्या देता है? पहचान देता है। अब बात करते हैं प्रेम। तो प्रेम परिवार में भी हो सकता है, समाज में भी हो सकता है, और मित्र में भी हो सकता है। प्रेम किस किस में हो सकता है? प्रेम परिवार, समाज, मित्र, तीनों में ही प्रेम हो सकता है। अब बात करते हैं सुरक्षा। सुरक्षा एक सामावश्यक है। सुरक्षा कैसी है? सामावश्यक। सामावश्यक एक सुरक्षा होती है। और भोजन, नींद, पानी, ये सभी शारीरिक आवश्यकता के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन आता है कि भोजन, नींद और पानी अब्राहम मैस्लो के अनुसार कैसे हैं? तो ये शारीरिक आवश्यकता है। कौन सी? शारीरिक आवश्यकता, जो शरीर को हमें जरूरी प्रदान हो, उन्हें शारीरिक आवश्यकता कहते हैं। भोजन, नींद, पानी, ये शारीरिक आवश्यकता के अंतर्गत आते हैं। तो आज का ये टॉपिक था अब्राहम मैस्लो का मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत। कोई एक क्लास आपको पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।